गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अनुज द्विवेदी। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मंजिल एजुकेशन बाई अनुज द्विवेदी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी क्लास 4 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है साहसी नीलू। आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलो पार्ट 2 देखते हैं। साहसी नीलू। नीलू ने जिस हिम्मत और बहादुरी से न सिर्फ बच्चे की बल्कि स्वयं की भालू से रक्षा की, उसे सभी दंग रह गए। साहस और सूझबूझ से भरी संकट को भी टाला जा सकता है, यह कहानी हमें यही सीख देती है। चलिए देखते हैं कहानी क्या है। पहाड़ की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था सराई खेत। वह गांव प्राकृतिक सुषमा से भरपूर था। चारों ओर चीड़ के घने वृक्षों से घिरा वह गांव काफी सुंदर लगता था। चीड़ के घने वृक्षों के बीच देवदार के खूब लंबे एवं ऊंचे वृक्ष गांव की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। अप्रैल में तो बुरांस के लाल फूल की छटा बस देखते ही बनती थी। गांव चूंकि घने वृक्षों से घिरा था, इसलिए अक्सर हिंसक पशु गांव में आ जाया करते थे। बाघ द्वारा कुत्ते एवं छोटे छोटे जानवरों को जब तक उठा ले जाना सामान्य बात हो गई थी। गाँव में कुल मिलाकर 15 से 20 परिवार ही रहते थे। खेती ही सभी के जीवन यापन का एकमात्र सहारा थी। इस गांव के मुखिया की एक लड़की थी नीलिमा, उम्र यही कोई 12 वर्ष थी। गांव के लोग उसे नीलू कहकर पुकारते थे। नीलू थी तो छोटी, लेकिन थी बहुत साहसी। अक्सर छोटे मोटे हिंसक जंगली जानवरों को वह दराती लेकर खदेड़ दिया करती थी। अनेक बार तो उसके पिता ने समझाया भी था, बेटी इस तरह जंगली जानवरों के पीछे पड़ना बहुत खतरनाक होता है, कभी कभी वे पलट कर हमला भी कर देते हैं और फिर उनसे बच पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन पिताजी, आपने ही तो कहा है कि इन जंगलों के बीच यदि रहना है तो साहसी तो होना ही पड़ेगा। और पिताजी निरुत्तर हो जाते थे, पिताजी चुप हो जाते थे, कोई जवाब ही नहीं था उनके पास। नवंबर का महीना था। गांव के बड़े बूढ़े लड़कियां लकड़ियां लाने जंगल चले गए थे और स्त्रियां गांव से दूर खेतों में काम करने गई हुई थी। नीलू घर के बाहर गांव के कुछ बच्चों के साथ खेलने में तल्लीन थी। तल्लीन का मतलब मग्न। अचानक पास के जंगल से एक भालू गांव में घुस आया। बच्चों को देखकर वह उनकी ओर लपका। बच्चे डर कर शोर मचाने लगे। जिसे जिधर रास्ता मिला वह उधर ही भाग निकला। 5 साल की एक नन्ही बच्ची भाग ना पाने के कारण खूब जोर जोर से रो रही थी। नीलू अपने घर की खिड़की से उसे भाग आने के लिए चिल्ला चिल्ला कर निर्देश दे रही थी, लेकिन बच्ची कुछ सुन ही नहीं रही थी और निरंतर रोए जा रही थी। भालू भी उसी की ओर बढ़ा जा रहा था। एक क्षण की भी देर किए बगैर नीलू रसोई में घुस गई। रसोई के एक कोने में चावल का कनस्तर रखा हुआ था। कनस्तर के चावल को जल्दी से जमीन पर उलटकर और कनस्तर लेकर वह तेजी से बाहर आ गई। वह टीन के कनस्तर को खूब जोर जोर से पीटे जा रही थी। कनस्तर की आवाज सुनकर भालू का ध्यान बच्ची की ओर से हट गया। अब वह नीलू की ओर बढ़ने लगा। नीलू टीन को पीट पीट कर उसे डराने का प्रयास कर रही थी, लेकिन भालू बिना किसी डर के उसकी ओर बढ़ा जा रहा था। नीलू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अचानक भालू ने उस पर हमला कर दिया। वह उछलकर एक ओर हट गई। अपना वार खाली जाते देख भालू बुरी तरह से झुंझला गया। अब वह और भी दुगने वेग से नीलू पर झपटा। नीलू ने त्वरित बुद्धि के से काम लिया और कनस्तर का खुला मुंह उसकी ओर कर दिया। काफी वेग से हमला करने के कारण भालू का सिर गोल मुंह वाले कनस्तर में फंस गया। अब वह बुरी तरह छटपटाने लगा। लाख कोशिशों के बावजूद वह अपना सिर कनस्तर से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। थोड़ी ही देर में वह पस्त हो गया। 2-3 बच्चों की सहायता से नीलू ने भालू के एक पैर को एक पेड़ से बांध दिया। गांव के लोग नीलू के इस साहस को देखकर दंग रह गए थे। तभी सभी ने
नीलू को खूब शाबाशी दी। उसी के साहस और बुद्धि के कारण नन्ही बच्ची की जान बच सकी थी। नीलू को इस अदम्य साहस के लिए सरकार की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। इसको लिखने वाले लेखक का क्या नाम है? रमेश चंद्र पंत। चलिए इस पाठ का हम शब्दार्थ देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स भी हैं। निर्देश का अर्थ होता है आज्ञा, और आज्ञा को इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन कहते हैं। दराती, दराती का अर्थ है हसिया, इंग्लिश में सिकल। निरंतर, निरंतर का मतलब लगातार, इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअसली। अदम्य का अर्थ है प्रबल, प्रबल का मतलब इंग्लिश में एंथुसियासम। मुश्किल, मुश्किल का हिंदी में अर्थ है कठिन, इंग्लिश में डिफिकल्ट। हिंस, तो हिंसक, इंग्लिश में वायलेंट। त्वरित का अर्थ है तुरंत, शीघ्र, इंग्लिश में बोलते हैं क्विकली। वेग का अर्थ है गति, इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। सुषमा, सुषमा का अर्थ है सुंदरता, ब्यूटी, इंग्लिश में हम ब्यूटी बोलते हैं। तल्लीन, तल्लीन का अर्थ है मग्न। दत्चित, इंग्लिश में हम बोलेंगे एंग्रोज्ड। हमला का अर्थ होता है आक्रमण, इंग्लिश में बोलेंगे टू अटैक। दंग का अर्थ है हैरान, अचंभित, इंग्लिश में बोलेंगे अमेज्ड। पस्त, पस्त का अर्थ होता है थका हुआ, इंग्लिश में बोलेंगे टायर्ड। तलहटी, तलहटी का अर्थ है पहाड़ के नीचे का मैदानी भाग, इंग्लिश में हम बोलते हैं वैली। निरुत्तर, निरुत्तर का अर्थ है जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनेबल टू रिप्लाई। और आखिरी शब्द है पुरस्कृत, उसका अर्थ होता है जिसने पुरस्कार प्राप्त किया हो, इंग्लिश में बोलेंगे रिवार्डेड। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड द वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय एवरीवन।